हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। एमकेपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो TAT, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की इम्पॉर्टेंट नवरत्न और महारत्न कंपनीज के बारे में। अब नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तीन मेन कैटेगरीज हैं। तीन, पहली कैटेगरी है महारत्न, सेकेंड है नवरत्न, और तीसरी कंपनी होती है आपका मिनी रत्न कंपनी, जिसमें भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, दो अलग अलग कैटेगरीज है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन क्राइटेरियाज के बारे में, जिन क्राइटेरियाज के ऊपर महारत्न और नवरत्न कंपनी को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर महारत्न कंपनी का जो क्राइटेरिया है, तो किन किन कंडीशंस में महारत्न कंपनी बनाई जाती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आपको होता है कि उस कंपनी का पिछले 3 साल के अंदर जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ रुपए से, 2500 करोड़ रुपए से आपको ज्यादा है। तो ये एवरेज रेवेन्यू होना चाहिए, पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, शुद्ध फायदा। उसके बाद 3 साल का एनुअल जो नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ रुपीज होना चाहिए फॉर नेक्स्ट फॉर 3 ईयर। 3 साल का एवरेज जो है वो एक तरीके से 10,000 करोड़ रुपीज आपको होना चाहिए। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके अंदर आपको दिया है कि एनुअल जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ रुपीज होना चाहिए पिछले 3 साल का। तो ये महारत्न की कंडीशन है। नवरत्न में कोई इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 6 अलग अलग पैरामीटर स्पेस का स्कोर निकाला जाता है, और वो स्कोर जो है वो 60 होना चाहिए, 60 या उससे ऊपर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, वर्थ कितनी है, उसके बाद टोटल मैन पावर कॉस्ट कितनी है, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, सर्विस की कॉस्ट क्या है, और PBIDIT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब कुल जो जिसको हम लोग ग्रॉस बेनिफिट बोलते हैं वो कितना है, और कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है। तो ये क्राइटेरियाज जो हैं ये नवरत्न कंपनी के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इन कंपनीज के हिसाब से इनका क्राइटेरिया आपको तय किया जाता है। चलिए ये तो क्राइटेरिया की बात हो गई। पहले हम लोग बात करते हैं महारत्न के बारे में। महारत्न कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है। पहली इंपॉर्टेंट महारत्न कंपनी है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। अब देखो, भेल हमने स्टैब्लिश की थी विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन के हेल्प से, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, 1956 में। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था 1964 में भोपाल में स्टैब्लिश हुआ। बिल्कुल, भोपाल वाली जो फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश हुई थी 1964 में, लेकिन इसका झांसी वाला जो प्लांट है वो एस्टैब्लिश हो चुका था 1956 में। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान उसके समय पे। अब इसके दो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भोपाल में और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके लोकेटेड है झांसी के अंदर। ये स्पेशली बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उनको डिजाइन करता है, और बेहतरीन क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भेल आपको प्रोवाइड करता है। तो भोपाल और झांसी दो जगह पे आपको लोकेटेड है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको कंपनी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1976 में, 1976 के अंदर। भारत की जो तीन सरकारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में से आपको एक है। वैसे जिसकी शुरुआत हुई थी एज ए रंगून ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी 1881 में, लेकिन उसके बाद में फिर इसका नाम चेंज करके BPCL या भारत पेट्रोलियम किया गया 1976 के अंदर। ठीक है, मतलब कंपनी को पूरी तरह से चेंज ही कर दिया गया। इसकी कई सारी रिफाइनरीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका मुंबई रिफाइनरी, मुंबई के बाद कोची रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी जो आपके मध्य प्रदेश में आपको है, तो तीन इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज है। इसकी कई सारी सब्सिडरीज है, सहायक कंपनी आपको एस्टैब्लिश है, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो गैस जो LPG गैसेस है या PNG गैसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, पेट्रोनेट LNG, भारत रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो तीन इसकी इंपॉर्टेंट आपकी सब्सिडरी या सहायक कंपनी आपको हो गई। अगली जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो है महारत्न कंपनी में कोल इंडिया लिमिटेड, या जिसको हम लोग बोलते हैं CIL। भारत के अंदर कोयला निकालने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। पूरे भारत के अंदर ऑलमोस्ट कोयला जो है वो इसी कंपनी के माध्यम से निकाला जाता है। 1975 में कंपनी आपको एस्टैब्लिश हुई, और हेडक्वार्टर जो है इसका लोकेटेड है आपके कलकत्ता के अंदर। ठीक है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, इसकी भी सब्सिडरीज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी जो पहली सब्सिडरीज है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सदर्न ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, नदन कोलफील्ड लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जिसमें नदन कोलफील्ड लिमिटेड, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपको, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपको लोकेटेड है। तो ये कुछ उसकी सब्सिडरीज या उसकी सहायक कंपनी आपको हो गई। अगला जो इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कंपनी।
जो गेल कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है, अगली जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब तो वो गेल जो है, गेस इंडिया लिमिटेड आपको उसको बोला जा सकता है। तो जो गेल है, इसका मेन काम है भारत के अंदर गैस सप्लाई वगैरह जो है उसको मैनेज करना। तो ये भी केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर आपको काम करती है और इसका मेन काम है पेट्रोलियम सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOC के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। तो ये भी महारत्न कंपनी है, ये एस्टैब्लिश हुई है आपके 1959 में, 1959 के अंदर, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपके नई दिल्ली के अंदर। अगली जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो इंपॉर्टेंट कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। भारत में कोयले से बिजली बनाने का जो काम है वो NTPC आपको करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपके 1975 में, और उसके बाद मतलब जैसा बताया कि कोयला से बिजली बनाने का काम करता है। हम लोग तकरीबन 49% जो बिजली है वो बिजली हम लोग कोयले से बनाते हैं। तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपके नई दिल्ली में। अगली जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो है ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, है ना। अब ये देखो कंपनी है, ये एस्टैब्लिश हुई है आपके 1956 में। इसका मेन काम है ऑयल एक्सप्लोरेशन, या भारत के अलावा भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करना, ऑयल की खुदाई करना, कहाँ पर ऑयल की माइंस वगैरह आपको, ऑयल की वेल्स वगैरह आपको लोकेटेड है उनको फाइंड आउट करके वहां से ऑयल निकालने का काम आपको इसके द्वारा आपको किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है देहरादून के अंदर। अगली जो इंपॉर्टेंट कंपनी है महारत्न कंपनी में अगर देखा जाए, तो अगली महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कंपनी, PFC, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और PFC जो है ये इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है आपके 1986 में, और ये नवरत्न में शामिल होने वाली, महारत्न में शामिल होने वाली, सॉरी आखिरी कंपनी 2012 में शामिल हुई। तो नई दिल्ली के अंदर इस कंपनी का, महारत्न कंपनी का हेडक्वार्टर है। अब इसकी भी कुछ सब्सिडरीज हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, REC, ठीक है, ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कंपनी आपको हो गया। अगला कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट्स कॉल्ड द PGCIL। अब देखो ये जो कंपनी है ये पावर ग्रिड जो होती हैं उनके लिए, जो भी आपके आसपास में इलेक्ट्रिक के पावर, बड़े पावर ग्रिड्स होती है, तो उन पावर ग्रिड्स को एस्टैब्लिश करने का इनका काम है। 89 में इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अगली जो कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, इट्स कॉल्ड द REC L। अब देखो ये कंपनी जो है रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन, एक थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूं कि भारत में REC मतलब जो महारत्न है उसमें शामिल होने वाली आखिरी कंपनी जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी, है ना, ये थोड़ा अपडेट कर लेना वहां पे, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1969 में, और रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन या बिजली की सप्लाईज वगैरह है उनको पहुंचाने में आपको काम करता है। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो इसका मेन काम है स्टील प्रोड्यूस करना, स्टील का उत्पादन आपको करना, और भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक में से आपको एक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी फाउंडेशन होती है 1954 में, 1954 में, और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपके नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपको याद रखिएगा। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट आपकी जो कंपनी है ना, ये आपके सब महारत्न कंपनी आपको हो गई। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो है नवरत्न कंपनी। तो भारत में 14 जो नवरत्न कंपनियां हैं, 14 टोटल नवरत्न कंपनियां हैं। अब इन नवरत्न कंपनी को अगर देखा जाए तो नवरत्न कंपनी का क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका मेन काम है भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको बनाना, या विद्युत के जो विद्युतिकी है उसके प्रोडक्ट बनाना। 1954 में इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और हेडक्वार्टर है जो है इसका लोकेटेड है आपके बेंगलोर के अंदर, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। अगली कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL के नाम से जाना जाता है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1988 में इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अगली जो कंपनी है वो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये मेन कंपनी है भारत के अंदर जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वगैरह है उन प्रोडक्ट्स को बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में एक बहुत सुंदर सा ऑफिस जो है मेन धोला कुआ के पास में ही इसका बना हुआ है। तो इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1965 में, 1965 के अंदर। अगली जो कंपनी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। भारत के अंदर एरोनॉटिक्स से संबंधित जो भी डेवलपमेंट, जो भी चीजें हैं वो HAL के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। 1940 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर
लोकेटेड है आपके बैंगलोर के अंदर। अगली कंपनी है महानगर टेलीकॉम टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। अब देखो MTNL जो है ये अगर देखा जाए ना तो दो कंपनियां एस्टेब्लिश हुई थी भारत में, एक थी BSNL और दूसरी थी MTNL। तो MTNL जो मतलब BSNL काफी बाद में हुई, तो MTNL का काम था कि जो चार महानगर है दिल्ली मुंबई कलकत्ता बॉम्बे, इनके अंदर टेलीफोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए MTNL एस्टेब्लिश किया और उस एरिया के अंदर सबसे पहले मोबाइल कनेक्शन भी इन्होंने प्रोवाइड किया था। हेडक्वार्टर है लोकेटेड इसका नई दिल्ली के अंदर। अगली कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको नालको के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस कंपनी का जो मेन काम है भारत के अंदर जहां जहां पे भी एल्यूमिनियम के ओर्स मिलते हैं वहां से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना, इस कंपनी को भारत सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया 1981 में। इनकॉर्पोरेट इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले दूसरी बहुत सारी कंपनीज थी उनको मिला के इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, भारत सरकार के अंदर शामिल किया। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपके भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो कंपनी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्पेशली जो सरकारी बिल्डिंग्स और बाकी जो तमाम बिल्डिंग्स हैं इन बिल्डिंग्स के लिए कंपनी बनाई गई है। अगली कंपनी है नेव्याली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखो ये जो कंपनी है ये जो नेव्याली जो लिग्नाइट जो एक कोल का प्रकार होता है लिग्नाइट, उसके माध्यम से बिजली और बाकी चीजें बनाने के लिए ये नेव्याली लिमिटेड आपको एस्टैब्लिश किया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेव्याली कोल जो है इसका बड़े लेवल पे यहाँ पर अब लिग्नाइट का स्पेशली उपयोग किया जाता है। हेडक्वार्टर है नेव्याली तमिलनाडु में और उस एरिया के अंदर नेव्याली और आसपास के एरिया में जो लिग्नाइट कोल है वो बड़ी मात्रा में आपको निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो कंपनी है अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC। इसका काम है भारत के अंदर से अलग अलग जैसे मिनरल्स हैं मिनरल्स को निकालना, तो मिनरल को निकालने की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। अब ये कंपनी इस्टैब्लिश होती है 1958 में 1958 के अंदर और हेडक्वार्टर है इस कंपनी का लोकेटेड आपके हैदराबाद के अंदर, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे माइंस आपको बनी हुई हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो बेलाडिला आयरन आपका माइन है दंतेवाड़ा के अंदर, है ना, बेलाडिला माइन। फिर बेलाडिला आयरन और माइन है बस्तर और दंतेवाड़ा, इन दोनों जिलों में। तो बेलाडिला जो है आपके दंतेवाड़ा और बस्तर में आपको लोकेटेड है। फिर आपका दूनीमलाई आयरन ओर लिमिटेड है बेल्लारी कर्नाटका के अंदर। उसके बाद डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है आपके पन्ना के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना में, जहां पर रिसेंटली इनको अभी अगले 50 सालों का और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग इसकी माइंस है जहां पर मध्य प्रदेश में भी NMDC काम करता है। अगली कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये फाउंडेड हुई थी, मतलब स्पेशली इसका जो मेन काम है ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल सप्लाईज वगैरह के उसके लिए, तो 1959 में इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको हुआ और हेडक्वार्टर इस कंपनी का लोकेटेड है आपके डिब्रूगढ़ के अंदर, दूलीगंज करके एक जगह है तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली जो भी असम वगैरह से ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है तो उसको करने का काम ऑयल इंडिया लिमिटेड यहाँ के द्वारा आपको किया जाता है, मतलब मेन जो वहां से ऑयल को जब निकाला जाता है बेल से वो काम। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये सबसे न्यूएस्ट अभी 2023 में ही इस कंपनी को शामिल किया गया था आपके नवरत्न कंपनी के अंदर, याद रखना सबसे लेटेस्ट यहाँ पर आपको है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इस कंपनी का फाउंडेशन होता है 2003 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और सबसे लेटेस्ट शामिल होने वाली कंपनी है। अगली कंपनी है राष्ट्रीय इस्पात विकास निगम लिमिटेड। मेन इस्पात से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मनाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्लांट बना है वाइजिक के अंदर, वाइजिक मतलब विशाखापट्टनम। 1982 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अंग्रेज लोगों को विशाखापट्टनम बोलना नहीं आता था तो उन्होंने उसको वाइजिक नाम आपको शॉर्ट में कर दिया और वही नाम अभी भी आपको फेमस है। अगली कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, SCIL। देखो ये जो SCIL कंपनी है ये SCI कंपनी है, ये एस्टैब्लिश हुई 1961 में 1961 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपके मुंबई के अंदर, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपनी है ये होगी तमाम नवरत्न कंपनी, तो ये तमाम नवरत्न और महारत्न कंपनियां आपको होगी, इसका एक स्लाइड मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको इनको रिवाइज करने में आपको आसानी हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो भाई करना बनता है पहले आते से ही। चले उसके अलावा अनअकैडमी के जो इंपॉर्टेंट ऑफर्स चल रहे हैं अगर उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी MBBS कैटेगरी हो चुका है मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम। उसके अलावा MPTET वर्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट बैच आपको आ चुकी है जहां पर एक पूरा कंप्लीट पेज आप परचेज कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स हिंदी लिटरेचर तमाम कोर्सेज है। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, 999 में जाके पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। जीत की रणनीति करके एक इंपॉर्टेंट बैच है, इस बैच के माध्यम से आप पूरा जो MPSI का जो सिलेबस है इस सिलेबस को भी जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसके लिए सिंपली आपको कोड यूज करना है पावर
वन लाइव PAVANLIVE और इसके माध्यम से आप पा सकते हैं अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे बेहतरीन डिस्काउंट। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में इस तरह के वीडियोस और मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आने वाले एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।